सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। आपको बता दें कि सोनपुर के सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें दोनों के दावे हैं कि पार्टी ने बतौर प्रत्याशी उन्हें मैदान में उतारा है। सबसे पहले पप्पू मौर्य ने नामांकन किया, उनके साथ भी कुछ संगठन के लोग दिखे और पूर्व विधायक अरशद खान ने भी नामांकन किया है। लगातार जिस तरीके से जौनपुर की सियासत में धमाल मचा हुआ है, उसमें नामांकन को लेकर जिस तरीके से आज दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, तो कहीं ना कहीं जो चर्चाओं का माहौल है वो गर्म हो गया है। लेकिन दोनों प्रत्याशियों की जो अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी की ओर से सूची जो जारी नहीं की गई है, कौन सही है कौन गलत है, किसको संगठन बतौर उम्मीदवार अपना प्रत्याशी जो है वह मैदान में उतारती है, यह तो देखने वाला विषय रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजतन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। किस दल से आ रहे? नमस्कार। किस दल से आ रहे? समाजवादी पार्टी से। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर और भावी विधायक जौनपुर। भावी विधायक जौनपुर। नमस्कार। 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 बहुत ठीक है भैया। भैया भैया इधर देखिए, इधर सामने 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 आ जाइए आप लोग भी। ठीक है, चलिए सर, एक फोटो। एक जी संजय भाई, ले लो भाई, साथ देखिए। किस पार्टी से आपने जो है? समाजवादी पार्टी से। विधानसभा से समाजवादी पार्टी से आपने? समाजवादी पार्टी से अरशद खान का नाम सामने आ रहा है कि मतलब हमारा नाम पहले से सिंबल मिला है, सब हुआ है वेबसाइट पे, समाजवादी पार्टी पे भी आप लोग देख सकते हैं, अपने आपके मोबाइल पर होगा सब कुछ है। बढ़िया है भैया, साइकिल है। आने वाली साइकिल। अरे आप लोग लिखा पढ़ी देख ही रहे हैं। लिखा पढ़ी तो साइड पे पता नहीं, होटल पे भी है, होटल पे हर जगह है। ऐसा तो नहीं है कि लिखा पढ़ी है कि नहीं, आप लोग बताइए। अब आप बताइए, आप लेके आप आएंगे? हम करने तो काफ़ी तादाद में सपा के समर्थक भी आ रहे थे आपके साथ। आज लास्ट डेट था, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, रोक सकती है, इसलिए हम लोग शांति से आगे नहीं। क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जो क्षेत्र में आ रहे हैं? क्षेत्र में बहुत विकास की बात है, बहुत कुछ रुका हुआ है, जनता को भी क्या लगता है? पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार थी, बीजेपी राजमंत्री से करके विकास कार्य नहीं हुए? बहुत कुछ बाकी है अभी। जनता अगर आपको मौका देती है तो कौन से 3 काम है जिसका प्राथमिकता तौर पर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो पायजल मतलब शुद्ध पानी बिस्लरी का कोशिश करेंगे सप्लाई हो जाए जनता के बीच में। बिजली की समस्या हल करूंगा, सड़क की समस्या हल करूंगा। ठीक। किस दल से आ रहे? नमस्कार। किस दल से आ रहे? समाजवादी पार्टी। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर और भावी विधायक जौनपुर। भावी विधायक जौनपुर। नमस्कार। 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 बहुत ठीक है।